कल रात मेरठ में इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को पॉलिटिकली मोटिवेटेड एटीएस ने अरेस्ट किया, जो हाईली शेमफुल है, स्ट्रॉन्गली कंडमनेबल है। मौलाना पर एलिगेशन ये है कि वो फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्शन कर रहे हैं, जबकि मुजफ्फरनगर के उनके गांव के लोग, हमारे हिंदू भाई, ये कह रहे हैं कि हम मौलाना के जमाने से नेबर हैं, मगर मौलाना ने हमें आज तक कोई ज्यादती, कोई दबाव नहीं किया धर्म परिवर्तन करने के लिए, ना लालच दी। ये सिर्फ एलिगेशन है, जबकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का परमिशन देता है कि हम कोई भी मजहब पर चल सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर मौलाना ये करते भी हैं तो वो क्या गलत है, जबकि उन्हें रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। सिर्फ और सिर्फ यूपी के इलेक्शन से पहले इलेक्शन को पोलराइज करने के लिए मौलाना की गिरफ्तारी अनडेमोक्रेटिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, सिर्फ और सिर्फ मिल्लत इस्लामिया में एक एहसास कमतरी पैदा करने के लिए ये की गई है। आज हम तमाम को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं, इस देश के सेकुलरिज्म को मानते हैं, उन तमाम लोगों को मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि मौलाना इस्लामिक स्कॉलर, रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स की गिरफ्तारी, बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी, जो लोग आज तक किसी को तकलीफ नहीं दिए, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी समाज के लिए, देश के लिए बहुत ज्यादा डेंजर साइन है। आज हमें हाई टाइम है कि हम ख्वाबे गफलत से उठकर अंडर द फोर वॉल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए मौलाना की रिहाई के लिए हर प्लेटफॉर्म से हमें अपील करना है, रोडों से, सोशल मीडिया से, अदालतों से। इसके लिए शहर गुलबर्गा में भी हम मुत्तहिद व मुनज्जम होकर, तमाम मसलकों से ऊपर उठकर मौलाना की रिहाई के लिए हम अपील करेंगे, एहतजाज करेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar.